मेट्रो सिटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अली मीना अमदार। आज हम मौजूद हैं मालवनी में, जो मलाड वेस्ट में आता है, और यहाँ पर जो लोगों की तकलीफ है वो हमें जिस तरीके से बताना चाहते हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं रूबरू होकर। आइए सर, मैम आइए, नाम बताइए सबसे पहले आपका। कमरू निशा शेख। क्या प्रॉब्लम है आपको जो यहाँ पर, जो आपने इतना प्रॉब्लम? हम लोग को बहुत ज्यादा है, हर एक चीज के लिए प्रॉब्लम है हम लोग को। मेन बात क्या, हम लोग का गटर अगर सही रहे ना तो ये रोड पे पानी आता ना, ये नहीं जमा होता, आए दिन से बीमार रहते हैं। और दूसरी बात, कोई साफ सफाई करने वाला आता नहीं है। कितने जन आए, कितने जन चले गए, कोई करेगा तो इतनी दूर से करेगा, आए दिन रहता ही है जमघट। कब से रहते हैं हम लोग? 94 से मैं हूँ यहाँ। 94 से, तब से ये रास्ता बना नहीं? नहीं बना, एक बार बना भी था, जैसे ये पाइपलाइन डाले तब से खुदाई हो गई, जैसे और बेकार। समाजवादी के टाइम पे बना था। नाम बोलिए सर आपको। ना कचरे का कोई चिंता है, ना गटर का, बोलिए ना, ये कोई भी नहीं। हम लोग हर एक चीज की परेशानी है यहाँ पर। तो मतलब आपने कभी कंप्लेंट किया? कंप्लेंट डाल, हम लोग थक गए। हमारे यहाँ के नगर सेवक भी है, एक बार भाई भी है, वो भी थक गए, कर करके कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग ऑफिस में भी जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है भाई, कंप्लेंट डालना थक गए। हाँ प्राइवेट बोलो तो बरोबर आते हैं, 50 रुपए एक घर के पीछे कचरा साफ करने का मांगते हैं। कचरा साफ होता है यहाँ पर? नहीं होता है। पैसा है तो कराओ, नहीं कोई है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है भाई, कहाँ से देगा? तो अभी जो कचरा वाले आते वो नहीं आते यहाँ पे कभी? कोई वो गाड़ी वहाँ से, तो गाड़ी वहाँ आते 500 मीटर दूर रहती है, आधा किलोमीटर जाते थे वहाँ कचरा फेंकने के लिए। कोई नहीं जाता, कोई जाता है भाई, ऐसी बात है ना, तो सब डाल के कहीं भी चले आते। कचरा कुंडी से ही बचता रहे एरिया। अभी जैसा कि हमने जो जानकारी मिली हमें, उस तरीके से जहाँ पर हमने बाहर बोर्ड देखे, वहाँ पर मालवनी को ट्रैफिक से और जो रोड के खड्डे उससे मुक्त कर दिया गया, तो फिर इस पे आपका क्या कहना है? बचपन से रोड अभी तक बना ही नहीं भाई, इसी के इसी है। हम लोग गटर में जाते हैं, इतने इतने पानी में, देखो इतने छोटे छोटे बच्चे लोग का हाल देखो है। अभी दवा मारने देख सकते है, मालवनी से यहाँ पे जो रहवासी लोग है वो काफी परेशान हाल दिख रहे हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाहते हैं रास्ते की, एक मिनट जरा आप दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखाइए। आगे अगर लाइव तस्वीर दिखाइए दर्शकों को, ये जो रास्ता है यहाँ पे रहवासी का, यहाँ का कोई कॉल तो नहीं है, देखते रहिए लाइव तस्वीरें यहाँ पर मालवनी से हमारे जानकार है, आप देखते रहिए लाइव तस्वीरें यहाँ पर। आगे तक है पूरा बोर्ड के टाइम पे सब बोलते हैं, हम अभी बात कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे यहाँ अंदर आता है खासदार का, सब नारियल बोर्ड के जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। इसका नारियल बोर्ड वो उद्घाटन रोड का ओपनिंग होगी अगले महीने में बनेगा, 2 महीने में बनेगा बोला है आपको। ये जो भी आता है इधर, मतलब कोई फिर मतलब जो आता है वो कौन आता है? आमदार आते हैं, खासदार आते हैं, जो भी आते हैं। इससे पहले गोपाल शेट्टी के भी आदमी लोग आते, वीरेंद्र चौधरी आए थे, असलम शेख भी हमारे आगे गए, पर कोई कुछ काम नहीं करता इधर। जैसे कि हमने अभी देखा गया है कि असलम शेख जी के बाहर बैनर लगे हैं कि जो मालवनी है वहाँ पर खड्डों से मुक्त हुए रास्ते के, तो फिर उस पे आप अभी आप आ जाएंगे मालूम है, आपको पता रहेगा रास्ता कैसा होगा। बोला कि बारिश का एक महीना और जाने दो, उसके बाद हम लोग काम चालू कराएंगे। हमारे अरे जो जो नेता यहाँ पे आते हैं उन लोग ऐसी दिलासा दे के चले जाते हैं। का है, शिवसेना का है, असलम शेख भी आके 2 बार आके नारियल फोड़ के गए, मगर कुछ होता नहीं। सिर्फ नाम सिर्फ नारियल नाम के लिए फोड़ते जाते हैं, मगर काम नहीं होता। ये देखो ना, ये दिख रहा है ना, ये तुम लोग लो ना, गटर का पानी, बच्चे कैसा जाएंगे, नमाज भी कैसा जाएंगे, इसमें से बताओ जरा। स्कूल को पर जो मालवनी में जिस तरीके के हालात है रास्ते के, जो रास्ता चलने लायक नहीं है, लेकिन बारिश होके 8 से 10 दिन हुए फिर भी ये रास्ता सूखा नहीं है। यहाँ पर पानी का जैसा तालाब भरता है, वहाँ पर छोटा गंदगी यहाँ पर भरी हुई है, और ऐसे में जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल के बच्चों को ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। और यहाँ पर जो रहवासी है, जो यहाँ पर रहदार है, तो उन्होंने हर तरीके से भी हमसे में कंप्लेंट करके भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और नेता आते हैं सिर्फ नारियल फोड़ के नाम का जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि अभी जैसे नारियल फोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ नाम का नारियल फोड़ा, ऐसे जनता का आरोप है नेताओं पर। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए मेट्रो सिटी समाचार के साथ। अली मीना अमदार, मुंबई।